Hey guys, welcome back to another brand new vlog. अभी फिलहाल मैं हूँ in the city of Goa and हम लोग आज सुबह ही गोवा आए थे. हमारे पास actually एक हफ्ते का थोड़ा सा work pressure कम था, तो हमने सोचा क्यों ना गोवा आ जाए, आके यहाँ पे थोड़ा explore करें. एंड हमने सोचा थोड़ा budget trip किया जाए, अलग अलग चीज़ें try की जाए, तो उसके वजह से हम लोगों ने लिया एक sleeper bus and उसमें हम आज सुबह गोवा पहुँचे. पहुँचने के बाद में दोस्तों सबसे पहला चीज़ जो हमने किया वो ये किया कि हम लोगों ने अपने होटल में चेक इन किया. होटल हमने ऑनलाइन बुक किया था काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट में, बहुत ही कोजी सा होटल है. हमने 1400 रुपये इस होटल के पे किए एंड बिल्कुल सेंट्रली कलंगुट बीच के ऊपर ये लोकेटेड है, तो हम कलंगुट वाले एरिया में रह रहे हैं. इसके बाद में दोस्तों हमने लिया ये बाइक एंड बाइक दोस्तों हमने बिल्कुल होटल के बाहर से लिया. एंड जिन जो बाइक रेंटल जो देते थे भैया, वो नेबर थे होटल के ओनर के, तो उन्होंने कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया. एंड बाइक के दोस्तों हमने पे किए 1200 रुपये टोटल 4 दिन के, मतलब 300 रुपये पर डे करके. एंड बाइक की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तो वो चीज़ था. इसके बाद में दोस्तों थोड़ा फ्रेशअप हुए, भूख लग रही थी, तो हम आ गए कुछ खाने पीने के लिए एट दिस प्लेस कॉल्ड रॉको मामाज. एंड हमने सुना कि इसका बर्गर्स काफ़ी बढ़िया है, तो हम बर्गर ट्राई करने के लिए यहाँ पे आ गए. हमारे होटल से करीब 2 किलोमीटर दूर था, तो चलिए फटाफट पहले आपको अंदर लेके जाता हूँ, बर्गर टेस्ट कराता हूँ कैसा बर्गर है, और भी कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं. एंड गाइज, अगर इस जगह के वाइब की बात करूँ तो वाइब उतना कुछ खास नहीं था. फूड आइटम्स में भी हमने करीब 2 फूड आइटम्स एंड 2 मॉकटेल्स ऑर्डर किए एंड चारों आइटम ही बड़े एवरेज थे. इसके बाद हमने उठाई अपनी स्कूटी और निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए. एंड गाइज, अभी हम आ गए अगवाड़ा फोर्ट पे. बहुत ही बढ़िया ड्राइव था, मतलब कि गोवा की वेदर इस टाइम पे मिड सितंबर में, थोड़ा सा ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड हो जाते, बट अपार्ट फ्रॉम दैट राइड बहुत बढ़िया था. काफ़ी अच्छा सीनिक व्यू था. पार्किंग के दोस्तों यहाँ पे हमने 50 रुपये दे दिए, बाहर बाइक पार्क कर दिया एंड टिकट लेके आ गए. 25 रुपये करके टिकट था, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, हमने यहीं से ले लिया, कोई लाइन वाइन नहीं था. एंड इस फोर्ट की दोस्तों अगर बात करूँ तो ये ज़्यादा अपने हिस्ट्री के लिए तो नोन नहीं है, बट अभी फ़िलहाल लोग इसे जानते हैं बिकॉज दिल चाहता है मूवी की जो शूटिंग है वो यहाँ पे हुई थी. बहुत ही एक फेमस सीन था यहाँ पे, तो वो चीज़ है. मैं यहाँ पे इस फोर्ट पे मैं करीब 6-7 साल पहले भी आया था, बट उस टाइम पे उतना याद नहीं है क्या देखा था क्या नहीं देखा था. तो हमने सोचा कि ठीक है चलो थोड़ा खाली टाइम है यहाँ पे भी आ जाते हैं, तो चलिए आपको ले जाके फोर्ट दिखाता हूँ. यार हम लोगों ने फोर्ट अगवाड़ा घूम लिया. फोर्ट अगवाड़ा की अगर बात करूं, वेदर थोड़ा सा ह्यूमिड था जिसके वजह से ज्यादा देर वहां पे नहीं रह पाए. और मैं आपसे कहूंगा कि एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वहां से आपको एक थोड़ा सा सी का व्यू मिलता है, देयर इज नथिंग मोर टू सी देयर. तो अगर आप उसे अपने ट्रिप में से एक्सक्लूड करना चाहते हो वो डेफिनेटली आप कर सकते हो. अभी हम लोग वापस आ गए हैं कलंगूट एंड अभी हम लोग जा रहे हैं कोई शैक में ताकि थोड़ा सा चिल कर ले जब तक यहाँ पे वेदर थोड़ा सा ठीक हो जाए. गोवा के शैक्स, हाथ में ठंडी बियर और सामने एक ब्यूटीफुल सा सनसेट. लाइफ कैन ऑब्वियसली नॉट गेट बेटर देन दिस, राइट? और लगे हाथ मैंने सोचा क्यों ना जब गोवा में है ही तो कुछ गोवन डेलिकेसी ट्राई किया जाए, इसलिए मैंने ट्राई किया यहाँ का ये लोकल डिश कॉल्ड पोई.
एंड गाइज अभी फिलहाल बजे है रात के 9, हम आ गए हैं एट हिल टॉप वैगटार एंड यहाँ पे एवरी फ्राइडे एक मार्केट लगता है विच इज़ नोन एज दी कलेक्टिव गोवा बाजार। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है फॉर डिस्प्ले, म्यूजिक होता है, अल्कोहल होता है, एवरीथिंग। सो चलिए अंदर ले जाके आई विल शो यू अराउंड की क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। 100 रुपये की एंट्री टिकट है तो पहले एंट्री टिकट ले लेते हैं। सो गोवा कलेक्टिव बाजार हैपन्स एवरी फ्राइडे नाइट एंड यू कैन कम हियर फॉर सम गुड म्यूजिक, फूड और जस्ट टू सोशलाइज, मेक सम न्यू फ्रेंड्स। दिस प्लेस इज रियली चिल। एंड इस गोवा कलेक्टिव बाजार में आप देख पाओगे काफी सारे स्टॉल सेलिंग अ वैरायटी ऑफ आइटम्स सच एज फूड, होम डेकोर, क्लोदिंग, एज वेल एज देयर इज ऑल्सो सेपरेट सेक्शन फॉर एल्कोहल जहां से आप अपने लिए ड्रिंक्स ले सकते हो। तो गाइज हम लोग हिल टॉप वैगटार से आ गए हैं। वहाँ का जो मार्केट था इट वॉज वेरी गुड, मतलब कि अगर आप इन्जॉय करना चाहते हो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। हम खैर आ गए हैं एट वन कलंगूट क्लब एंड हम लोग यहीं पे आज पार्टी करेंगे। तो चलिए आपको अंदर का सीन दिखाता हूँ। तो गाइज आज है हमारा दूसरा दिन गोवा में एंड अभी फ़िलहाल हम अपने होटल से बाहर निकले। आज सुबह हम करीब 12 बजे उठे थे दोपहर में एंड हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट किया था क्योंकि थोड़ा लाइट रखना था। तो एक वेज साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद में दोस्तों आज था इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो जिसके कारण हम लोग अपने होटल में बैठ के मैच ही देख रहे थे। अभी बीच में फ़िलहाल थोड़ा सा रेन ब्रेक हुआ था तो हमने कहा कि चलो यार कहीं पे जाते हैं, सनसेट का भी टाइम हो गया, आराम से बिल्कुल सनसेट इन्जॉय करेंगे, मैच देखेंगे, थोड़ा बियर वियर पी लेंगे। तो अभी हम लोग अपने होटल कलंगूट से निकल रहे हैं एंड हम लोग जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली देर इज़ दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड मिका या तो मिका नाम का ये रेस्टोरेंट है। ये आपका कैंडोलिम रोड पे है, अग्वाडा वाले रास्ते पे ही आता है। ये रेस्टोरेंट दोस्तों जोमेटो पे अवेलेबल नहीं था बट गूगल में इसके रिव्यूज़ काफ़ी बढ़िया दिखा रहे थे तो हम लोगों ने फ़ोन करके रिजर्वेशन कर दिया एंड अभी मिका जाएंगे एंड वहाँ का एम्बियंस आपको दिखाता हूँ। और अगर आपको गोवा के शोर शराबे वाले कैफे से दूर रहना है सो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। बट इफ़ यू वॉन्ट टू पार्टी हार्ड देन आपको ये थोड़ा सा प्लेस डेड लग सकता है। खैर यहाँ की खास बात क्या थी, वो थी यहाँ की सनसेट। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम फिलहाल है टमेटोज में एंड लास्ट रेस्टोरेंट हम लोग जहाँ पे गए थे वहाँ पे बड़ा डेड सा सीन था तो हम लोग यहाँ पे टमेटोज में आ गए। यहाँ पे बहुत ही सही लाइव म्यूजिक हो रहा है एंड मैच की भी स्क्रीनिंग हो रही है तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा चिल करेंगे, पार्टी करेंगे। आपको यहाँ का सीन दिखाता हूँ फिर आगे सोचते हैं क्या करेंगे।